हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट श्री धीरज गुप्ता जी, डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी, एडीजी जम्मू श्री मुकेश सिंह जी, डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार जी, जम्मू की जिलाधिकारी अवनी लवासा जी, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर श्री राहुल यादव जी, राजकुमार जी, सभी पार्षदगण यहाँ पर उपस्थित, संभ्रांत नागरिकगण, देवियों सज्जनों तथा मित्रों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि तवी ब्रिज के दो स्ट्रेच की स्मार्ट लाइटिंग का भी उद्घाटन मुझे जाकर के करना है और अभी 23 रोड जंक्शन से हम अप्सरा रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का हमें अवसर मिला है। मुझे राहुल ने बताया है कि तवी ब्रिज ए तथा तवी ब्रिज बी की लाइटिंग का काम चल रहा है और 30 जून तक उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों को लोगों के लिए अधिक अनुकूल बनाने तथा ट्रांसपोर्ट और रोड की व्यवस्था को बेहतर और स्मार्ट बनाने का प्रयास चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये सभी प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद हम इस प्राचीन धर्म नगरी के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं दे सकेंगे। कुल 31.55 करोड़ रुपए की लागत से शहर के 23 जंक्शन, नाम सबका लूं उचित नहीं है, सतवारी, करण नगर, पनामा आदि आदि को पूरा करेंगे। बेहतर स्ट्रीट लाइट, फुटपाथ, पुलिस सेंटर, वाटर एटीएम, बस स्टैंड तथा अन्य पब्लिक एमिनिटीज लोगों को मुहैया कराई जा सकेंगी। जम्मू स्मार्ट सिटी ने इस प्रोजेक्ट की समय सीमा जनवरी 2024 तय की है। ठीक कह रहा हूँ ना धीरज जी? इस प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों से मेरी अपेक्षा है, जैसा धीरज जी अभी कह रहे हैं, आप लोग पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं, तो उसके पहले करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि समय सीमा के भीतर ये परियोजना पूरी हो। कुल 51.50 करोड़ रुपए की लागत से अप्सरा रोड तथा आसपास के रोड का कंप्लीट आधुनिक डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसमें 13.64 किलोमीटर बाहर की रोड तथा 5.3 किलोमीटर अंदर की रोड, पब्लिक एमिनिटीज, ड्रेनेज सिस्टम तथा पैदल चलने वालों के लिए बेहतर फुटपाथ बनाया जाएगा। आप सब देख रहे हैं कि दुनिया के अनेक शहरों में सड़कों को रिक्लेम करने का एक सिलसिला चल पड़ा है। लोगों की अपेक्षा है कि सरकार इसके लिए रचनात्मक समाधान निकाले। मैं समझता हूं कि जिन दो प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ है, ये जम्मू शहर में प्रगतिशील रोड का निर्माण करेंगी एवं पैदल चलने वालों तथा साइकिल चालकों के अधिकारों की भी रक्षा करेंगी। ये सच है कि तकनीक आज समाज को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। शहरों तथा गांवों में रह रही एक बड़ी आबादी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों में बड़ा बदलाव हो, मैं समझता हूं कि यही उद्देश्य जम्मू स्मार्ट सिटी के कामों का है। मॉडर्न तकनीक की मदद से जम्मू स्मार्ट सिटी जन सुविधाओं से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रही है और शहरों के लिए एक ऐसी समर्पित संस्थागत प्रणाली विकसित करने की कोशिश कर रही है जो व्यापक बदलाव लाने की क्षमता रखती है। आबादी के हिसाब से अगर देखेंगे तो विश्व के अनेक शहरों में स्मार्ट सिटीज का निर्माण हो रहा है। हमारे देश में यह काम पहली बार शुरू हुआ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। वहां के शहर के निवासी नेचर के मुताबिक प्लान बनाते हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी के निर्माण में प्रशासन ने फिजिकल तथा डिजिटल
इंटीग्रेशन के साथ एक अच्छी कार्य योजना विकसित की है जो सस्टेनेबल भी होगी, समृद्ध भी होगी, समावेशी भी होगी और इस प्राचीन शहर की सांस्कृतिक धरोहर को भी सहेज सकेगी। मैं मानता हूँ कि किसी भी शहर या सभ्य समाज तथा अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी सड़क, ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा ये हृदय के धड़कन की तरह होती है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पता चलता है कि अच्छी सड़क की व्यवस्था न सिर्फ उस शहर के बासिंदों का जीवन सुगम बनाती है बल्कि नए बिजनेस सेंटर की स्थापना में भी मदद करती है और यहाँ तक कि रोड की वजह से नए शहरों का निर्माण भी देखने में आया है। ऐसे उदाहरण हमारे सामने अनेक हैं और मुझे लगता है कि रोड अब केवल फिजिकल यूनिट नहीं है बल्कि अनेक कम्युनिटीज के साथ मिलकर एक इंटेलिजेंट सिस्टम निर्मित कर रही है। शहरों की सस्टेनेबिलिटी आज निश्चित रूप से आवश्यक है। कोरोना के पश्चात लोगों के जीवन में बहुत सी परेशानियां आई हैं। आज लोग जन सुविधाओं को लेकर अधिक सक्रिय हुए हैं। स्वास्थ्य के अलावा घर से बाजार तक जाने लोगों की अपेक्षा है कि बेहतर बस स्टॉप हो, बेहतर पब्लिक स्पेस हो, बच्चों को खुली हवा में सांस लेने के साथ साथ मनोरंजन का साधन भी उपलब्ध हो, मोहल्लों में भी लोगों को प्राकृतिक वातावरण मिले, ये हर शहरी की अपेक्षा है। स्मार्ट सिटी का उद्देश्य मुझे लगता है कि इन सभी अपेक्षाओं को पूरा करना ही होना चाहिए और ये सच है कि जो पहले म्यूनिसिपल कमिश्नर हमारी थी, मेयर साहब और उनकी पूरी टीम ने एक मजबूत बुनियाद जम्मू स्मार्ट सिटी की रखी है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे नए म्यूनिसिपल कमिश्नर राहुल यादव इस बुनियाद पर एक मजबूत और भव्य भवन खड़ा कर सकेंगे। मित्रों, शहर का समग्र विकास सिर्फ आधुनिकता को व्यक्त नहीं करता है बल्कि आम लोगों के जीवन मूल्यों और सृजनात्मकता को भी पोषित करता है। मंदिरों के इस शहर में भक्ति, शौर्य, देश के प्रति त्याग और समर्पण, करुणा एवं प्रेम की भावना पहले से विराजमान रही। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को मैं चेतना की संपदा मानता हूं और ये जरूरी है कि हमारी संस्कृति की इस ऐतिहासिक विरासत की रक्षा की जाए और उससे जुड़ी सुविधाओं को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में लोगों तक पहुंचाया जा सके। स्मार्ट सिटी से जुड़ी सुविधाएं किसी वर्ग विशेष की नहीं है, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए बल्कि जम्मू के आम नागरिक की ये सुविधा है। इसलिए प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ इन सुविधाओं का हम इस्तेमाल भी करें और इनकी रक्षा भी करें। प्रशासन तथा जनता के बीच परस्पर संबंध सूत्रों को मजबूत करने का दायित्व सरकार पर तो है ही, जनता पर भी मैं समझता हूं उतना ही है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस तरह के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनसे आपका भी जुड़ाव होना चाहिए। जम्मू की परंपरा के जीवन तत्वों के संरक्षण के आग्रह के साथ मैं आज की परियोजनाओं को जम्मू के नागरिकों को समर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि माता वैष्णो देवी मेयर साहब के शब्दों को जमीन पर उतारने में, स्विट्जरलैंड बनाने में मेरी मदद करें। कुछ अपेक्षाएं मेयर साहब ने मेट्रो को लेकर के करी थी, आप सबको पीछे भी हमने एक बार बताया था कि यहाँ से परियोजना का, मैंने प्रोजेक्ट का डिटेल रिपोर्ट बना करके भारत सरकार को भेजा गया। अब वहाँ भी जो मंत्रालय हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट का, उसने स्वीकृति प्रदान कर दी है। वित्त मंत्रालय ने भी उसमें अपनी सहमति दे दी है। अब भारत सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद उसके टेंडर की प्रक्रिया की जाएगी। अब वो कब हो जाएगा मुझे लगता है कि ये भारत सरकार की कैबिनेट ही बता सकती है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ये शुभ समाचार आपको जरूर मिलेगा कि जम्मू और श्रीनगर की मेट्रो परियोजना पूरी हो गई। धीरज जी ने आपको बताया कि अक्टूबर तक बसें भी चलने लगेंगी। एक अपेक्षा मेरी
धीरज जी से और है कि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई थी। जम्मू के लोग मुझसे कह रहे थे कि उस कॉन्फ्रेंस का क्या हुआ, कब घर यहाँ उपलब्ध होंगे, हाउसिंग कब उपलब्ध। मेरा अनुरोध होगा आपसे कि इस परियोजना को भी जमीन पर उतारने में हम सब लोगों को पूरी मेहनत करनी चाहिए। जम्मू श्रीनगर के अलावा जो दूसरे शहर हैं, पहले फर्स्ट फेज में इन शहरों में मुझे लगता है कि हाउसिंग के लिए यहाँ के लोकल लोग भी रुचि रखते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत आपसे आग्रह होगा कि इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दे करके अगर इस परियोजना को हम लोग जमीन पर उतार सकेंगे तो मुझे लगता है कि कई लोगों के आवास की समस्या भी हमल कर सकेंगे, यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में हम योगदान दे सकेंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर भी उसके कारण हम दे सकेंगे। मित्रों, मोटे तौर पर आज बात यहीं तक सीमित की जाए, नहीं तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। कई लोगों ने कई बातें कही, मेहता साहब ने थोड़ा संकेत किया है, कुछ चीजें हमें विरासत में मिली और उस विरासत को ढोते ढोते काफी दिक्कतें हो रही। मुझे याद है 31 मार्च को के बाद किसी कार्यक्रम में मैं बोल रहा था, तो 31 मार्च जो खत्म हुआ है अभी, उस आंकड़े को मैं दोहराना चाहता हूं। ये पिछले दो मेरे भाषण हैं, उसके दो दो वाक्य दोहरा करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जब बहू फोर्ट का उद्घाटन हुआ था तो उस दिन मैंने एक बात कही थी, मुझे फिर वो याद आ गई, मैं दोहराना चाहता हूं कि महाभारत में आपने यक्ष युधिष्ठिर संवाद आपने सैनिक लोगों ने सुना होगा, तो यक्ष के प्रश्न बड़े कठिन प्रश्न थे। युधिष्ठिर के सभी भाई माने पांडवों के जो भाई थे वो मर गए थे और यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि भाई हमारे प्रश्नों का जवाब दोगे तो आपके भाइयों को मैं जिंदा कर दूंगा। तो पांच प्रश्न पूछे, मैं पांचों का जिक्र नहीं करूंगा। एक प्रश्न युधिष्ठिर से उसने पूछा, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया कि एक आदमी दूसरे आदमी को मरते हुए देखता है फिर भी जीने की इच्छा रखता है, इससे बड़ा आश्चर्य धरती पर कुछ नहीं। तो उस दिन बहु फोर्ट पर मैंने यही कहा था कि जम्मू में भी परियोजना समय सीमा के भीतर जम्मू कश्मीर में पूरी हो जाए। अगर मुझसे एक सवाल करता तो मैं यही कहता, इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं है। ये बात मैंने उस दिन कही थी। मैं उम्मीद करता हूं कि वो स्थिति आगे भी बनी रहेगी। अभी मेरे पूर्व धीरज जी ने बताया, मेयर साहब ने, एमपी साहब ने बहुत सारी बातें बताई हैं, उनको दोहराना मैं नहीं चाहता हूं। लेकिन 31 मार्च को हमारी स्थिति क्या रही ये जरूर हम आपसे जिक्र करना चाहते हैं। मोटे तौर पर जो टैक्स कलेक्शन हमारा, मैं वो देख रहा था, जीएसटी कलेक्शन देश के बाकी राज्यों में जब घट रहा था तो लगभग 24% की वृद्धि हमारी हुई है। एक्साइज में 30% की वृद्धि हुई है। स्टैंप में 56.12% की वृद्धि हुई है। स्टेट टैक्स केवल पेट्रोल और डीजल पर लगता है। और एक बात मैं जरा इसलिए कहना चाहता हूं कि जानना जरूरी है कि देश में सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल जम्मू कश्मीर में मिलता है। ये आपको मैं बता, आप चले जाइए पंजाब बगल में, चले जाइए बगल के राज्य हैं हिमाचल, सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल हम देते हैं। बावजूद इसके उसमें भी 25 पॉइंट करवाया था 8 अगस्त 2020 को। आप में से अनेक लोग यहां से फ्लाइट से जाते हैं, कितनी फ्लाइट चलती थी जम्मू से, कई चेहरे हैं बताएं, कई फ्लाइट चलती थी। मेयर साहब, एमपी साहब, आप तो रेगुलर जाते हैं, अब कितनी चलती है? कितनी है? नहीं, गलत बोल रहे ना, मुझे संख्या मालूम। आज 44 फ्लाइट ऑपरेट हो रही है जम्मू से। जैसा उन्होंने बताया, नया टर्मिनल उसके लिए जमीन दी गई है, एयरपोर्ट अथॉरिटी टेंडर कर देगी तो नया टर्मिनल भी बन जाएगा। नाइट लैंडिंग शुरू हो गई। अब हम ये भी देख रहे हैं कि रात को जहाज यहीं खड़ी रहे और सुबह 7 बजे फ्लाइट शुरू हो जाए, इसकी कोशिश भी हम सब कर रहे हैं। केवल एक फैसला हम लोगों ने किया था, जो एयर टर्बाइन फ्यूल है उस पर वैट लगता था 26.25%। एक दिन हम लोगों ने मीटिंग किया, हमने मेहता जी ने, और एक झटके में 26.25% से घटा के 1% कर दिया। अब उसका लाभ क्या हुआ है,
जम्मू में फ्लाइट की संख्या बढ़ गई, किराया भी नियंत्रित है और पहली बार श्रीनगर में विंटर्स में भी किराए नहीं बढ़े। एक दिन बढ़ा उसी दिन मुझे लगता है कि एयरलाइंस को हम लोगों ने चेताया था कि अगर किराया बढ़ाओगे तो फिर हम रेट बढ़ा देंगे। अब दिल्ली में हवाई जहाज फ्यूल नहीं लेता है, वो आता है तो श्रीनगर और जम्मू में भरवाता है क्योंकि दिल्ली में वैट अभी 25% है। तो इन फैसलों की साख बहुत अच्छी रही है जम्मू कश्मीर की। इस बार 31 तारीख को किसी का एक पैसा बकाया नहीं हमारे पास। 31 मार्च को जितने वेरीफाइड बिल्स थे कॉन्ट्रैक्टर्स के, सप्लायर्स के, सबका भुगतान हो गया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में पैसा हमको नहीं मिलता था क्योंकि हम उसका भुगतान हो गया। एडवांस ड्रॉल हमने कोई नहीं किया, सबकी पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड सारे कर्मचारियों का क्लियर कर दिया और जो पेंशन देने के लिए कर्जा हमारे दादाओं ने लिया था उसका भी एक बड़ा हिस्सा हम लोगों ने इस बार 4,119 करोड़ उसमें भी भर दिया। 810 करोड़ रुपया पावर यूटिलिटी को इस बार दिया गया और किरू और रटले 600 करोड़ की इक्विटी भी दी गई। जब पहली बार पावर यूटिलिटी को पैसा दिया तो कई मुझे फोन किया, कुछ तो व्यक्तिगत रूप से मिलने आए और कहे कि साहब लंबे समय बाद किसी का बकाया बहुत लंबा है। एनटीपीसी ने 3 दिन पहले, चार पांच दिन पहले कहा साहब बकाया नहीं देंगे तो हम आपकी बिजली काट देंगे और बिजली में कटौती उन्होंने कर दिया है। तो बाप दादा खा के गए हैं, कर्जा हम लोग भर रहे हैं। अब ये स्थिति है। मंत्री जी से मैंने, बिजली मंत्री जी से बात की, उन्होंने कहा कि एक प्रपोजल बनाइए कि 5-6 साल में भुगतान कर देंगे तो फिर हम जो एनटीपीसी बिजली देती है वो बिजली हम दिलवाना शुरू करते हैं। तो कल मेहता जी ने बना करके बिजली मंत्री साहब को भेज दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल से वो एनटीपीसी की बिजली हमें मिलने लगेगी तो जो 4-5 दिन आपको असुविधा रही है उस असुविधा से भी हम मुक्त कर सकेंगे आपको। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में पिछले 1.5 वर्षों में काफ़ी अच्छा काम हम लोगों ने किया। आप सबको मालूम है कि जम्मू और आसपास की पूरी बिजली गलडनी सब स्टेशन से जाती थी। 14-15 साल पहले वो ट्रांसफार्मर जल गया था और 65% क्षमता पर चलता था। अब हमारी आज की तारीख में स्थिति है कि जितने हमारे रिसीविंग स्टेशन हैं उनमें बेहतर बिजली की व्यवस्था होगी, बिजली रहेगी तो लोगों को मिलेगी और ये कोशिश हम कर रहे हैं। एक अनुरोध मैं और करना चाहता हूँ, सुविधा हमको सब चाहिए लेकिन भुगतान हम किसी चीज का नहीं करेंगे। मित्रों ये व्यवस्था नहीं चल सकती और आप सब लोग, मैं समझता हूँ कि प्रबुद्ध लोग हैं, आपकी बात लोग ज़्यादा सुनेंगे और मेरा निवेदन है आपसे कि इस व्यवस्था में आप सहयोग करिए। हम आपको एक बात का भरोसा देते हैं कि अधिकांश सुविधाएं हम डिजिटल करते जा रहे हैं ताकि किसी सामान्य आदमी को दिक्कत ना हो। मैं ये नहीं कहता कि भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म हो गया, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था में बदलाव हो, सामान्य आदमी के लिए लाभकारी व्यवस्था हो। लेकिन कुछ लोगों को के पेट में बहुत दर्द है और उस दर्द की दवा मेरे पास नहीं है क्योंकि बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के तो काम नहीं हो सकता है, बिना ई टेंडरिंग के तो काम नहीं हो सकता है, चाहे किसी को दर्द हो चाहे हार्ट अटैक हो। ये व्यवस्था लागू हुई है और तब तक ये व्यवस्था रहेगी जब तक हम लोग यहाँ हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये कोई बदल नहीं सकता इस व्यवस्था, क्योंकि उसका लाभ अभी बताया मेहता जी ने कि उस व्यवस्था में 9,000 प्रोजेक्ट पूरे होते थे, इस व्यवस्था में 51,000 प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं। इस व्यवस्था से जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ नागरिकों का लाभ है, 100-200 लोग जो 50 साल तक इस व्यवस्था का लाभ लिए हैं, मैं समझता हूँ उनका लाभ केवल खत्म हुआ है, सामान्य आदमी का लाभ नहीं खत्म हुआ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और यहाँ के लोग हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, स्वाभाविक है, जनतंत्र में भारत के संविधान ने हमको ये अधिकार दिया। एक दूसरी बात, अभी पिछले दिनों घाटी में कुछ घटनाएं हुई, कुछ निर्दोष लोगों की जाने गई हैं। ये सच है कि ये लगातार कोशिश लंबे समय से हो रही और वे लोग भी इस पर प्रतिक्रिया देते हैं जो लोग इसके जिम्मेदार रहे। एक समय था जब मैसेकर होता था, नरसंहार होता था और FIR नहीं होती थी। मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर एक साधारण व्यक्ति के खिलाफ भी कोई घटना होती है तो पुलिस FIR करती है, कार्रवाई करती है। पड़ोसी लगातार कोशिश कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें
जम्मू कश्मीर में स्थिरता पैदा करना और शांत वातावरण बनाना चाहती, लेकिन हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन और आर्मी हो या हमारी सीएपीएफ पूरी प्रतिबद्धता के साथ आतंकवाद से लड़ रहे हैं। हमारे बहादुर जवान अपनी शहादत दे रहे हैं, लेकिन एक बात का हम लोगों ने संकल्प लिया था और जो मैं कहूं कि हमारी नीति है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। ये लोग हमें उत्तेजित कर रहे हैं, हमारी फोर्सेस को उत्तेजित कर रहे हैं कि एक ऐसी कोई गलती हमारी ओर से हो जाए कि किसी बेगुनाह आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए ताकि जनता सड़क पर आ सके। मैं जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं, किसी निरपराध पर जम्मू कश्मीर प्रशासन कोई गलत कार्रवाई नहीं करेगा, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये बात मैं कहना चाहता हूं। हाँ, लेकिन जो गुनाह करेगा, जितने कानून के लंबे हाथ हैं और जितने मजबूत हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उनकी गर्दन उसी हिसाब से दबोची जाएगी, समय लग सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं, कल मैं गया था, हमारी एक बहन जो अभी शहीद हो गई थी, अध्यापक थी, मैंने कल ही कहा था कि उस विद्यालय का नाम उसी बहन के नाम से होगा। जो भी उसको सुविधाएं देनी होंगी वो प्रशासन देगा, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन आतंकवाद का एक बड़ा सिस्टम लंबे समय से चला रहा है और सिक्योरिटी के बहुत एक्सपर्ट देश में और जम्मू कश्मीर में हो गए। मैं नहीं जानता, मैं तो सामान्य आदमी हूं, सिक्योरिटी का मुझे अंदाज नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने बहादुरी के साथ, मैं उस सिपाही के घर गया था जिसके बाप ने मुझसे कहा कि 1000 लोगों की जान बचाया मेरा बच्चा अपनी शहादत दे करके, और मुझे गर्व है कि मैंने ऐसा बच्चा पैदा किया। इस तरह के पिता हैं जिनके बच्चे सिपाही हैं, मैं समझता हूँ ऐसे बहादुर सिपाहियों और ऐसे बहादुर जवानों की जो फोर्स है, निश्चित रूप से आतंकवाद को हम परास्त करेंगे। एक बड़ा भारी इको सिस्टम है, कोशिश की जा रही, मैं उम्मीद करता हूँ, और कुछ लोग एक और साजिश कर रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं, ये कि ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि वहां से फिर पलायन हो जाए, ये उनका मंतव्य है जो देश की एकता अखंडता को कमजोर करना चाहते हैं, जो फिर से आतंकवाद की जड़ें यहां गहरी करना चाहते हैं। उनके मंसूबे को फलित होने में आप रोकिए, और जो भाई मैं समझता हूं नासमझी के आधार पर इस दिशा में जा रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि उनके शिकार मत होइए। पूरी भारत सरकार, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारा पूरा प्रशासन हर तरह से आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जो भी बेस्ट पॉसिबल हो वो जरूर किया जाएगा। आतंकवादियों की सेल्फ लाइफ बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई, और मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाने में भी पुराना नासूर है, थोड़ा वक्त लगेगा। जब नासूर हो जाता है थोड़ा, तो सर्जरी के अलावा एंटीबायोटिक भी देना पड़ रहा है, तो कई जगह सर्जरी की गई है, अब माकूल एंटीबायोटिक भी दिया जाएगा कि पूरी तरह से ये नासूर जम्मू कश्मीर से समाप्त हो जाए। इतनी बात कहता हुआ मैं आप सबको हृदय से साधुवाद देता हुआ अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद, जय भारत।